Hello students, welcome to Electro Classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss structure of carbonyl group. Aldehydes और ketones जो हमारे organic compound है उनमें क्या present होता है? Carbonyl group present होता है दोनों में. तो आज हम discuss करने वाले हैं उसी carbonyl group की structure के बारे में, उसमें कौन कौन से bonds होते हैं और किस type से उन bonds का formation होता है, इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मतलब एक कंप्लीट ओवरऑल व्यू देखेंगे हम किसके बारे में, कार्बोनिल ग्रुप के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर होती है ये, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, कार्बन अपनी फोर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फोर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, जिनमें से वो एक डबल बॉन्ड का बनाता है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन के पास हमारे दो लोन पेयर भी प्रेजेंट होती हैं. ओके, अब ये हमारा पोलर नेचर का होता है ग्रुप. पोलर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा, और जो हमारा कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5, इसकी होती है नियर अबाउट 3.5. तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे. इसके ऊपर क्या जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से, और इसके ऊपर क्या जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. इस तरीके से इनमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, अब जो कार्बन है हमारा और ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड, यहां आप देख सकते हैं इस तरीके से तीन सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हो जाता है. इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री. यहां पर इसके पी ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल्स कार्बन और ऑक्सीजन के, इनके थ्रू ये हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं. यहां पर बॉन्डिंग होती है जिसकी हेल्प से हमारा बनती है पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉन्ड्स बन जाते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कार्बोनिल ग्रुप में. ये कार्बोनिल ग्रुप को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, इस तरीके से भी हम इसे शो कर सकते हैं. या प्लेनर फॉर्म में देखें तो प्लेनर फॉर्म में हम इसे कैसे शो कर सकते हैं? जैसे कि हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, मैंने आपको बताया कि इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, तो ये भी हमारा 120 डिग्री का होगा, ये भी हमारा 120 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 120 डिग्री का एंगल होगा. ये हमारा एक प्लेन की फॉर्म में होगा, तो ये हमारा प्लेनर हो गया. ठीक है, ये जो हमने स्ट्रक्चर देखी है ये हमारी ऑर्बिटल पिक्चर हो गई, एक टाइप से ऑर्बिटल्स की फॉर्म में बना, तो ये हमारा हो गया ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ है इस कार्बोनिल स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है कार्बोनिल ग्रुप में, वो तीन सिग्मा, यहां देख सकते हैं आप, तीन सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑक्सीजन से अटैच है, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है. जैसे कि आप यहां देख सकते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है आपका पाई बॉन्ड, ये दोनों क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड. कार्बन जो है हमारा वो यहां पर इस वजह से हमारा हो गया sp2 hybridized. जो कार्बन है हमारा वो क्या हो गया यहां पर? sp2 हाइब्रिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, ऑक्सीजन के पास हमारे दो लोन पेयर प्रेजेंट है. जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो तीन सिग्मा बॉन्ड जो बना रहा है, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड और कार्बन एक ही प्लेन में है, जबकि जो आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके ऊपर प्रेजेंट है और नीचे प्रेजेंट है. ठीक है, आप देख सकते हैं. तो पाई बॉन्ड जो बन रहा है हमारा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है. साइड वाइज ओवरलैपिंग, इस टाइप से जो ओवरलैपिंग होती है उसे हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग. तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, जो कार्बन है हमारा, कार्बन का जो p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स है, उन दोनों ने आपस में क्या किया? साइड वाइज ओवरलैपिंग की, जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने बना लिया है यहां पर पाई बॉन्ड. जो सिग्मा बॉन्ड है
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो बन रहा है हमारा, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो हमारे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके बीच में और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल है उनके बीच में हमारा बन रहा है पाई बोन। ठीक है, पाई बोन हमारा बन रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू, और सिग्मा बोन जो हमारे बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कार्बन का है और जो p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग हो रही है तब हमारे बन रहे हैं ये मिड वाला सिग्मा बोन। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप में सिग्मा बोन्स और पाई बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रही होगी कि कार्बोनिल स्ट्रक्चर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप में, उनमें कौन कौन से बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बोन्स कैसे बन रहे हैं आपके और पाई बोन्स कैसे बन रहे हैं, ये आज हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है इस पर। ओके, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्लियर हो चुकी होगी, उसमें आपको कोई हो प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।